नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RPF कांस्टेबल 2019 के लिए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट का भाग है पांचवा। दोस्तों, इससे पहले चार पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी शाखा से संबंधित? दोस्तों, यह गुर्दा से संबंधित है। ठीक है, इसमें गुर्दे का इलाज या फिर जो भी रोग होता है इससे इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों, यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, यानी मनुष्य को वैज्ञानिक की भाषा में कहा जाता है। ठीक है, होमोसेपियंस। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों आर्नियोलॉजी, आर्नियोलॉजी कहलाता है सपनों का अध्ययन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर हाइड्रो बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? दोस्तों, यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? दोस्तों, परमाणु जो बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया रहती है उस पर परमाणु बम आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर रडार के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, रडार के आविष्कारक हैं अरवल्ड टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।